नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanawa.com। हरियाणा के सिरसा जिले के गांव चौटाला में हुए डबल मर्डर केस में अब हरियाणा पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का प्रोटेक्शन वारंट जारी करवा सकती है। जी हां, हम आपको बता दें कि डबल मर्डर केस में जहां हरियाणा पुलिस ने एक युवक सन्नी भाट को गिरफ्तार किया है, वहीं राजस्थान पुलिस ने भी दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और राजस्थान पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उन आरोपियों ने ये माना है कि वो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के लोग हैं और उन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया है। उनके दो लोगों के साथ चार लोग अन्य भी लोग जो शामिल थे, जिनके नाम उन्होंने राजस्थान पुलिस के समक्ष लिए हैं। इस पूरे मामले को लेकर के अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और चौटाला निवासी छोटू भाट में दुश्मनी है, ये मामला जग जाहिर है। लेकिन पुलिस का ये मानना है कि कहीं ये दुश्मनी ख़त्म ना हो गई हो, कहीं ये दुश्मनी दोस्ती में ना बदल गई हो, जिसको लेकर के ये डबल मर्डर केस हुआ है, जिसको लेकर के खास करके चौटाला में जो दो ठेकेदारों की हत्या की गई है, तो उसको लेकर के अब पुलिस है वो कई तरह से इस मामले की जाँच में जुटी हुई है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि ये 20 जुलाई का मामला है। 20 जुलाई की रात को करीब 10 बजे ये डबल मर्डर हुआ था, जहाँ चौटाला के संगरिया बॉर्डर पर जो आछी ढाणी है, जवाहर कॉलोनी है, वहाँ पे इस वारदात को अंजाम दिया गया था। प्रकाश पुनिया पे पहले ही डबल मर्डर का आरोप था, क्योंकि संगरिया में छात्र संघ चुनाव में उन पर दो युवकों की हत्या करने का आरोप था। और वो दो युवक थे, जिनमें से एक सक्ताखेड़ा निवासी अमनदीप बिश्नोई उर्फ सोनू हैं, जबकि दूसरा जंडवाला बिश्नोईया निवासी संदीप बिश्नोई और पेट्रोल है। जो दो युवक राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किए, उनमें से एक संगरिया का रहने वाला राहुल उर्फ मिनी पेट्रोल और दूसरा जंडवाला बिश्नोईया का अंकित उर्फ भानु शामिल था। और दोनों के कब्जे से पुलिस ने जहां एक अवैध पिस्तौल बरामद किया, वहीं 229 कारतूस भी बरामद किए। और दोनों युवकों ने ये बात स्वीकार की कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग हैं और उन्होंने इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो राजस्थान में आए हैं और उसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उससे ही अगले दिन राजस्थान पुलिस की SOG की टीम भी चौटाला में पहुँची, जहाँ और वहाँ इस पूरे घटनाक्रम का दौरा किया अधिकारियों ने। और वहीं दोनों गिरफ्तार युवकों की निशानदेही पे राजस्थान पुलिस की 3 वर्दी भी बरामद की गई है। लेकिन सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि इस तरह के ये जो आरोपी हैं, वो कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस की ड्रेस लेकर के, चाहे उनको नाके से निकलना हो या इस तरह के वारदात को वो अंजाम दे सकते थे, ताकि उन पर कोई शक ना करे, उनको पुलिस का जवान समझे, इसलिए उनको वारदात करने में थोड़ी आसानी रहती थी। तो 3 पुलिस की वर्दी भी उनसे बरामद की गई थी। और हम आपको बता दें कि जिस दिन की ये घटना है, बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि आरोपी प्रकाश पुनिया और मुकेश गोदारा के उसी हत्थे में शराब पीते रहे हैं और करीब 4000 से अधिक का उनका बिल भी बन गया था। प्रकाश पुनिया ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि ये आरोपी उन पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये इस तरह से वाक्या हुआ और वो हत्या करके चले गए। अब हरियाणा पुलिस जहां इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने मृतक मुकेश गोदारा के ताऊ के बेटे विजय कुमार की शिकायत पर 3 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिन पे सन्नी भाट, दिनेश कुमार और तीसरा जो वेद प्रकाश उर्फ RDX है, 3 लोग नामजद हैं और 4 अन्य लोग हैं। वहीं राजस्थान पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। उन लोगों ने बताया है कि उनके साथ जो अंकित हरियाणवी, प्रवीण, अमन और गुड्डू, वो लोग भी इस वारदात में शामिल थे। वहीं हरियाणा पुलिस ने सन्नी भाट को भी गिरफ्तार किया है। हरियाणा पुलिस का कहना है कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। चूँकि राजस्थान पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर चुकी है, राजस्थान पुलिस ने ये कह चुकी है कि उन दो युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया और उनके साथ ये 4 युवक और शामिल थे जो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से ताल्लुक रखते हैं। वहीं हरियाणा पुलिस शराब कारोबार से जहां इस मामले को जोड़ रही है, वहीं राजस्थान पुलिस इस मामले को लेकर के पुरानी रंजिश 2014 में
जो प्रकाश पुनिया ने जिन दो युवकों का मर्डर किया उस केस को लेकर के जोड़ रही है। लॉरेंस बिश्नोई का ताल्लुक उस गैंग से बताया जा रहा है। वहीं हरियाणा पुलिस इस मामले को लेकर के शराब कारोबार का इस पूरे मामले को लेकर के जो है घटना बता रही है कि शराब कारोबार के चलते ही ये डबल मर्डर हुआ है। और अलग अलग राज्यों की पुलिस है वो इस दोनों अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इस बीच गांव चौटाला के कुछ लोग भी जो है एसपी से मिले, उन्होंने कहा कि सन्नी भाट है वो निर्दोष है, उन्होंने मर्डर नहीं किया है, क्योंकि राजस्थान पुलिस पहले ही इस मामले का खुलासा कर चुकी है। जो चौटाला के जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वो निर्दोष है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के प्रोटेक्शन वारंट भी जारी करवा सकती है लॉरेंस बिश्नोई का। और इसके साथ चूँकि राजस्थान पुलिस ने जिन आरोपियों को पकड़ा हुआ है उन आरोपियों का 27 जुलाई को रिमांड है वो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हरियाणा पुलिस है वो प्रोटेक्शन वारंट पे उन आरोपियों को अपने यहाँ कब्जे में लेकर के उनसे निशानदेही भी करवा सकती है और आगामी कार्रवाई है वो भी की जा सकती है। ये पूरा मामला क्या था और क्या शराब की रंजिश से इनका मर्डर हुआ या फिर 2014 की पुरानी रंजिश से इन दोनों ठेकेदारों का मर्डर हुआ, ये एक आने वाला समय बताएगा, क्योंकि हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस की जांच रिपोर्ट बताएगी। और तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।